नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेंचल के तहत 1214 दिन के क्लास को देख रहे हैं और मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, तो इस वीडियो में ओ लेटर वाले वर्ड्स जो कि आप हमेशा से देख रहे हैं और अभी ओ 10 लेटर में चल रहा है, उसके बाद एक टेक्स्ट होगा और शुरू में ही आपको वर्ड मीनिंग दिया जाएगा, जिससे कि आप जो है एक बहुत ही अलग तरह के वर्ड्स आपके सामने, यानी कि आपके वोकैबुलरी वर्ड पावर भी बढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता या इंग्लिश में कुछ ना कुछ रोज डेली सीखना चाहते हैं या उनका आदत है कि भाई सब सब्जेक्ट को छोड़कर इंग्लिश सीखना है, तो बस इंग्लिश क्यों नहीं, तो बस चलिए शुरू करते हैं। रोज हमारे साथ बने रहेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा वर्ड्स की और वर्ड्स पर ही हम लोग फोकस करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे देखिए, पहला वर्ड है फैंसीफुल। फैंसीफुल, फैंसीफुल का यहाँ उच्चारण है, फैंसीफुल का मतलब मौजी, काल्पनिक। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वर्ड है, तो याद रखिए मौजी काल्पनिक। नेक्स्ट वर्ड है सीक्वल। सीक्वल, सीक्वल, सीक्वल का मतलब होता है परिणाम या सिलसिला। सीक्वल बोलते ना, सीक्वल, उस फिल्म का, यह फिल्म जो है उस फिल्म का सीक्वल है, मतलब जुड़वा है ना, यस, एक लगातार आगे बढ़ रहा है या कंटिन्यू, हम लोग कहते हैं पार्ट वन पार्ट टू, चैप्टर वन चैप्टर टू, इस तरह का सीक्वल है। दूसरा वर्ड, तीसरा है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास, निराश। रिजेक्टेड नहीं, डिजेक्टेड। रिजेक्टेड में तो आप समझ सकते हैं, अब रिजेक्ट कर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है, तो इनसब्सटेंशियल। इनसब्सटेंशियल, तो पढ़ने जिनको नहीं आ रहा है इतना ज़्यादा लंबा लेटर वाला वर्ड, तो हमारे साथ लगातार अगर बनेंगे तो पता भी चल जाएगा क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। तो इनसब्सटेंशियल अर्थ होगा अवास्तविक या काल्पनिक, अवास्तविक या काल्पनिक, एक ही बात है। नेक्स्ट है तो सोमनोलेंट। सोमनोलेंट का मतलब होता है, अब ओ का उच्चारण यहाँ पर आ के रूप में हो रहा है, दूसरा ओ जो उच्चारण दोस्तों ओ के रूप में हो रहा है, इसलिए सोमनोलेंट मैं पढ़ रहा हूँ। सोमनोलेंट मीन्स ऊँघता हुआ या भारी को कहते हैं सोमनोलेंट। नेक्स्ट वर्ड जो है ये तो एक्सेसिव। एक्सेसिव, एक्सेसिव का मतलब तो भ्रमणशील, पर्यटन विषयक। नेक्स्ट वर्ड जो है ये है एक्सेसरी। एक्सेसरी, एक्सेसरी का मतलब अतिरिक्त, सहायक, अतिरिक्त और सहायक। नेक्स्ट वर्ड है तो पपॉट। पपॉट का मतलब है अर्थ, तात्पर्य, सारांश। अर्थ, तात्पर्य, सारांश। नेक्स्ट है स्टाउंच। स्टाउंच का मतलब है दृढ़, वफादार, दृढ़, वफादार। नेक्स्ट वर्ड है वीसियस। वीसियस का मतलब है पापमय, अनैतिक, पापमय, अनैतिक। नेक्स्ट है रेलिंक्विस। रेलिंक्विस का मतलब है हुआ छोड़ना, त्यागना। दम डिफरेंट वर्ड आपको दूसरों से अलग करने के लिए इस तरह के वर्ड्स मैंने लिया है, ताकि आप हमेशा इनका उच्चार, मतलब कि वो अपने बोलने के क्रम में भी इन वर्ड का उच्चारण कर सकते हैं या लिखने के क्रम में भी, क्योंकि ये जब आप जब बोलेंगे और या लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आप दूसरों से हटकर हो जाएंगे। लोग छोड़ना त्यागना का अलग अलग देते हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है मतलब कि कॉमन देते हैं, थोड़ा सा आप हट कर देंगे ना तो आपको बहुत ही लोग समझेंगे कि भाई जानकार अच्छा है। नेक्स्ट है एक्सेसरी। एक्सेसरी का मतलब ये देखिए, एक्सेसरी का मतलब बहुत कुछ अलग अलग तरह से और अलग अलग लेटर में है। जैसे यहाँ एक्सेसरी का मतलब होता है अतिरिक्त, ये वो एक्सेसरी है जिसकी समझ आप रखते हैं, लेकिन ये दोस्तों एक्सेसरी जो है अलग है, इसका मतलब सह अपराधी या सहकर्मी। एक्सेसरी है, बताइए एक्सेसरी का मतलब, यहाँ स्पेलिंग से भी समझ में आ रहा होगा कि इस वाले में ओ है जबकि इस वाले में ए है, अंतर इसी से हो जा रहा है। तो एक्सेसरी का मतलब बोलने में भले ही लगे, लेकिन लिखते समय हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा एक्सेसरी लिख रहे हैं। तो एक्सेसरी का मतलब सह अपराधी या सहकर्मी। अब दोस्तों चलिए कॉमन बात पे चलते हैं। जिनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता, वो पहले तो अल्फ़ाबेट के बारे में जानना होगा। अल्फ़ाबेट क्या है, किसे कहते हैं, इसका उच्चारण क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें 26 लेटर होते हैं और इसका उच्चारण की बात करते हैं तो ए से जेड तक
जितने लेटर्स होते हैं इंच, ये 26 लेटर को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। और इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है जो वॉवल कहलाता है जिसमें 5 लेटर होता है, वॉवल कहलाता है इसमें कितने लेटर, 5 लेटर होते हैं। दूसरा जो है पार्ट है वो है तो कॉन्सोनेंट का जिसमें 21 लेटर होते हैं। अब इस तरह से दोनों को जोड़ दीजिए तो 26 लेटर हो गया। अब 26 लेटर जो है सो आप इसे पढ़ना सीखें, पढ़ना का मतलब आपको पढ़ने आता है लेकिन वर्ड के उच्चारण क्या है उसको सीखना है। दूसरा एक तीसरा एक और चीज़ सीखना है सो पार्ट्स ऑफ वर्ड, जी हाँ पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, ये पार्ट्स ऑफ वर्ड दोस्तों अगर आप सीख लेते हैं तो इंग्लिश तेजी से आप पढ़ सकेंगे। तो चलिए अब देखिए कॉन्सोनेंट पे फोकस करते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो कॉन्सोनेंट में 21 लेटर होता है लेकिन उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से, इसी चीज़ को समझना है ठीक है। तो कॉन्सोनेंट में बी को ब, सी को क, श, डी को ड, द, ज, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को बोलते हैं ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को बोलते हैं प, है ना। फिर से समझिए इसे क्योंकि ज़्यादा समझना ही होगा। बी को ब, सी को क, श, डी को ड, द, ज, एफ को बोलते हैं फ, जी को ग, ज, एच को बोलेंगे ह, और दोस्तों सॉरी देखिए जे जो है जे को ज बोलेंगे, के को क, एल को ला, एम को म, एन को ना ना, पी को प। फिर से इसे रिपीट मैंने किया ताकि आपको ये लगे कि जो वर्ड्स है उसे सेम टू सेम, इसे एम है तो एम नहीं पढ़ रहे हैं, म पढ़ेंगे म, है ना, एन है तो एन नहीं पढ़ेंगे, ना ना पढ़ेंगे, पी को प। आपको पता होगा क्योंकि ये सब कॉमन चीज़ है, फिर भी याद रखने के लिए आर को र, आर को ड, भी हिंदी शब्दों में इसको स ज, टी को ट, और च सा बोलते हैं। च कब बोलते हैं, जैसे आप लेते हैं एक्शन वर्ड लेते हैं ठीक है एक्शन, तो टी आई को यहाँ स बोल रहे हैं, स है ना, तो इस तरह टी आई को श और टी आई को जो है सी भी बोलते हैं ठीक है, सी भी बोलते हैं। उसी तरह से जैसे बोलते हैं नेचर, नेचर बोलते हैं, नेचर ही लिखते हैं, जिसमें टी यू को च और टी यू को चू भी बोलते हैं, तो यहाँ से भी इसको भी समझना होगा च चू। वी को व, डब्ल्यू को भी व बोलते हैं। इसके अलावा देखिए एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स से भी एक्स होता है, और एक्स को एक्स के अलावा एक्स भी बोलते हैं, वाई को या बोलते हैं, जेड को जाझा बोलते हैं, सी आई और सी ई को स बोलते हैं। जैसे पुलिस में, सर्कल में, सर्कस सर्कस में, यही तो लगता है जैसे लिखते हैं ना हम लोग पुलिस पुलिस, देखिए सी को स बोल रहे हैं, लिखते हैं सर्कस सर्कस, सी आई को स बोल रहे हैं। उसके अलावा सी ए, सी के, क्यू क्यू यू, इन सभी को क बोलते हैं। तो दोस्तों इसको याद कीजिए अच्छे से। अब इसके बाद वॉवल पे हम लोग अपना पकड़ बनाएंगे, दिमाग में हमेशा जब कोई इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमेशा दिमाग में ये वर्ड रहना चाहिए कि वॉवल किसे कहते हैं। जैसे ए को, ए को अ आ ए आय उच्चारण करते हैं, जैसे मिडिल में ए को अ बोलते हैं, मॉल में ए को अ, मिड में ए को ए, और माइंड में ए को आय बोलते हैं। इसी तरह ई का उच्चारण जो है, ई का उच्चारण अ आ ई ई ए होता है, तो मार्बल में ई का उच्चारण अ, पेन में ई को ए, ऑफिस में ई को ई बोलते हैं, ये वाला ई। फिर आई का उच्चारण तो अ आ ई ई आई होता है, जैसे सर्कल में आई का उच्चारण अ हो गया, स्पीड में आई का उच्चारण छोटी समझिए बड़ी समझिए, उसे टीन में छोटी बड़ी समझ सकते हैं, टायर में आई का उच्चारण आई, तो यानी इन सब से उच्चारण हो रहा है ना। सम में ओ का उच्चारण जो है अ होता है, सम। अबाउट में ओ का उच्चारण आ हुआ, अबाउट। प्रूव में ओ का उच्चारण हुआ ओ, प्रूव। टोन में ओ का उच्चारण हुआ ओ, टोन। बट में यू का उच्चारण हुआ अ, बट। पुट में यू का उच्चारण ऊ हुआ, जबकि म्यूट में यू का उच्चारण यू हुआ, म्यूट। एक और डबल ओ के साथ ले बात करते हैं, तो डबल ओ में जो है सो देखिए एफ एल डब्ल्यू फ्लड में डबल ओ को आ बोलते हैं, फ्लड। आर डब्ल्यू में रूम में डबल ओ को ओ बोलते हैं, रूम। एफ एल डब्ल्यू फ्लोर में डबल ओ को ओ बोलते हैं, फ्लो फ्लोर। तो आप बस इसको भी याद रखिए, ये भी उच्चारण का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, तो यही आपको हमेशा हेल्प करेगा कैसे पढ़ना है ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए दोस्तों, अगर 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद आपने नहीं किया है अब तक तो कर लीजिए, क्योंकि ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड आपको ही आपका इंग्लिश पढ़ने में जल्दी से हेल्प करना है। जैसे ये देखिए जो मैंने अंडरलाइन किया इधर है, वो चाहे इधर हो, सारे लिस्ट को अपने याद करना है।
जैसे नेशन में देखिए सन है, इसेंशियल में सीएल है, यहाँ से देखिए सेन है, यहाँ से लेते सेन चार देखिए, इस तरह है चुअल देखिए। तो इसी तरह के जो है पार्ट्स आपको बार बार रिपीट होते मिलते हैं। जैसे पी आर आई को प्री भी बोलते हैं तो प्रीफिक्स होता है, पी आर आई को प्रे भी बोलते हैं तो प्रेजेंट होता है। अस देखिए कंटिन्यूस में कन भी एक पार्ट है जबकि अस भी एक पार्ट है। कल्चर में कल भी एक पार्ट है, चर भी एक पार्ट है। आइट है फाइट राइट नाइट, ये ना एक भी पार्ट है, सेस भी पार्ट है। चाहे एन के साथ डबल ई एस हो, चाहे एल के साथ हो, चाहे डी के साथ हो डबल ई एस, तो ये जो है रिपीट होने वाले वर्ड है। जैसे सी को स बोलते हैं, जैसे मैंने पुलिस वाला बताया था, एल एम एल साइलेंट है, डी जी में डी साइलेंट है, वॉक में एल साइलेंट है, देखिए सॉन्ग अमोंग जी यहाँ पर जी साइलेंट है। तो आप क्या करिए, आप इसे याद करिए और याद करने के बाद जैसे ओ डब्ल्यू को ओ आओ दोनों बोलते हैं तो एल ओ उच्चारण होगा तब तो लो करेंगे, आओ उच्चारण करेंगे तो नाव करेंगे, दोनों तरह से उच्चारण होता है। ओ आओ दोनों ए वाई को ए बोलते थे, पे पे डे पे मे से ए टी को एट बोलते हैं, तो मैट रैट कैट दैट सबकी चर्चा हो चुकी है पहले से लंबे लंबे वाले वीडियो में। तो अब जो है बस सिर्फ याद करने के लिए स्लाइड में लाता हूँ ताकि ये आपके दिमाग में, अगर आप रोज भी देखते हैं हमारे आगे वाले जो स्लाइड देखने के लिए, तो आपको कम से कम ये ध्यान में आ जाए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों 64 ज़्यादा नहीं है, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, तो याद कर लीजिए और इंग्लिश पढ़ना सीख जाइए, ये बहुत ही जरूरी है। अब दोस्तों इसके बाद भी अगर हमारे वीडियो को आप देवंश देखना चाहते हैं तो ओनली सेंड इंग्लिश यूट्यूब सर्च में या गूगल पे भी टाइप कर सकते, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। चाहे आपको रीडिंग करना सीखना हो या फिर राइटिंग या फिर स्पोकन, सब कुछ सीखेंगे। तीसरे स्टेप ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है ना मोटिव डिक्शनरी खरीदना है, तो आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है। तो बस लगे रहिए हमारे साथ और अब तो आपको दिखने को मिलेगा ही वर्ड्स। तो चलिए ये वर्ड्स क्या किसे कैसे पढ़ते हैं ये समझना है। जैसे ये वर्ड देखिए ओवरटाइजेस, ओवरटाइजेस है ना। नेक्स्ट है एक और वर्ड देखिए ओवर, तो ओवर बार बार रिपीट होगा। अब ओ वी ई आर को अर बोलते हैं, ई आर को अर बोलते हैं, वी लगा तो वर हो गया, अबाउंड ओवर अबाउंड ओवर अबाउंड। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर एक्टिंग, तो ओवर की चर्चा अब नहीं होगी सिर्फ बाद वाला, ओवर एक्शन देखिए सन आया ना रिपीट हो रहा है, यहाँ से देखिए इंग्रीट भी अउंड भी एक पार्ट ही है। ओवर एक्टिव तो देखिए एक्टिव है, ओवर के साथ एक्टिव है, तो इसको याद करिए। ओवर अफेक्ट, ओवर अफेक्ट के बाद तो यहाँ पर लिख लीजिए अफेक्ट, अफेक्ट। ओवर आर्क्ड, ओवर आर्क्ड नेक्स्ट, ओवर आर्क्स नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर आर्मिंग, ओवर आर्मिंग इन जो है ये एम के साथ लगा तो मिंग हो गया, तो आर्मिंग ओवर आर्मिंग। नेक्स्ट है ओवर एसेट, ओवर एसेट नेक्स्ट है ओवर एसेस। अगला चलिए तो यहाँ देखिए नेक्स्ट जो है वर्ड है तो ओवर वेकिंग, ओवर वेकिंग हो गया वैकिंग नहीं, ओवर वेकिंग। ओवर बैंड, ओवर वॉरेन, ओवर वीटेन, ओवर वीटेड, ओवर वीटेड हो गया, ओवर विडेन, ओवर वीडर, ओवर बिल्ड, ओवर ब्लीच है ना ई ए को याद रखिए, ओवर ब्लीच। नेक्स्ट वर्ड है ओवर ब्लाउज, ब्लाउज। ओवर बॉइल्ड नेक्स्ट वर्ड देखिए ये तो ओवर बोल्ड, बोल्डली। ओवर बुक्ड, ओवर बोरो, ओवर बाउट, ओवर बाउंस, ओवर ब्रेक्ड, ओवर ब्रेक्स, ओवर ब्रीड्स, ओवर ब्रीज। अब क्या ओवर ब्रीप्स नेक्स्ट है ओवर ब्राइट, उसके बाद ओवर ब्रॉड नेक्स्ट है ओवर ब्राउज नेक्स्ट ओवर ब्रूटल, ओवर बेल्ट्स, ओवर बल्क्ड। अब देखिए नेक्स्ट जो वर्ड है ये सो ओवर बर्डन, बर्डन ओवर बर्डन, ओवर बर्न्ड, बर्न्ड बर्न इडी लगे वर्ड। ओवर विजिट, बीजी से विजिट, ओवर विजीज, बीजी से विजिट। ओवर बाइंग और ओवर कॉल्ड, ओवर कॉल्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए
ओवर कैनोपी, ओवर कैनोपी। नेक्स्ट है ओवर कास्टेड, उसके बाद ओवर काउट, ओवर चार्ज, ओवर चेक्स, ओवर चिल्स, ओवर क्लेम्स, ओवर क्लीन्स, ओवर क्लियर, ओवर क्लाउड्स, ओवर क्लोएड, क्लोएड। नेक्स्ट है ओवर कलर्स, ओवर कलर, ओवर कमर्स, ओवर कमत, है ना, ओवर कमिंग, ओवर कमिट, ओवर कुक्ड, ओवर कूल्ड, ओवर कॉस्टली, ओवर ओवर काउंट्स, ओवर कवर्स। तो आप बारी बारी से सबको फिर से को रिपीट कीजिए, अगर रिपीट भी कीजिए और कॉपी पे लिख के देखिए क्या आप सिर्फ उच्चारण से लिख पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि ओवर तो आप एक प्रीफिक्स की तरह है, बार बार रिपीट हो रहा है। अब दोस्तों एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो वर्ड सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस में क्या 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड का यूज़ है या नहीं, तो यहाँ पर मैं बताऊँगा कि वाकई में यूज़ है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझदारी से और पेशेंस के साथ, जैसे कि आप वर्ड्स याद कीजिए और उसके बाद याद करने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैं यहाँ करूँगा वैसे ही आपको, या तो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। शुरू में आपको दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत का सामना करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए इंग्लिश 100% सीखने को। दोस्तों ये NCERT के बुक से लिया गया है, और NCERT के बुक्स में भी देखिए मैंने यहाँ देखा कि अपडेट्स होते रहते हैं, तो बहुत समय ऐसा नहीं कि बहुत समय बाद बाद अपडेट्स होते हैं, इजली अपडेट्स है। तो हालांकि ये बुक से बहुत पहले का प्रिंटेड है, लेकिन ये अपडेट्स है दोस्तों। 16 का ये प्रिंटेड बुक है, और यानी 2017 का प्रिंटेड बुक है, लेकिन 2016 की बातें यहाँ पर आया है, नोटबंदी से रिलेटेड इसमें इस स्लाइड में दिया गया है। इसके मतलब कि NCERT बुक हमेशा अपडेट रहती है, तो NCERT बुक्स का हमेशा यूज़ करिए अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए अब देखिए कैसे पढ़ना है, एज यू वुड, अगर W है तो वुड, अगर C रहता तो कूड, अगर SH रहता तो शुड हो जाता। तो एज यू वुड सी इन द चैप्टर, ईयर को टी लगाता है, चैप्टर द स्टॉक, सी के को क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ मनी, ई वाई को ये बोलते हैं, तो मनी कंसिस्ट, सी उनको कन बोलते हैं, consists of currency, ENCUKNC, currency held by the public and the demand, deposits, जी हाँ deposits में देखिए DS को जो है ज बोलते हैं, दूसरा S को स बोलते हैं, deposits that they hold with banks, this is the money that people can use as they wish and the govern, E and कौन बोलते हैं, वी लगा वर्ण, गवर्न, ई एन डी गेंट बोलते हैं, एम लगा तो मेन, टू गवर्नमेंट हैज टू एनश्योर, एनश्योर दैट द सिस्टम वर्क्स। अब देखिए सिस्टम ई को बोलते हैं वर्क स्मूथली, वॉट वुड हैपन, ई एन कैन पी लगा पेन, इसे वेन इसमें साइलेंट है, व्हाट हैपन वुड हैपन व्हेन द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स दैट सम ऑफ द करेंसी नोट्स यूज्ड बाय पीपल वुड बी मेड इनवैलिड एंड शुड बी रिप्लेस्ड बाय न्यू करेंसी In India, during November 2016, currency notes in the denomination of rupees 500 and rupees 1000 were declared invalid. People were asked to surrender these notes to the bank by a specific period and receive new rupees 500. दोस्तों ऐसे ही आप लगातार पढ़ते रहें और सीखते रहें। दोस्तों इस वीडियो में आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अगर कुछ सीख पाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।